हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आज का टॉपिक और कुछ भी चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है, कुछ भी बना दो वायरल हो जाती है। आजकल वायरल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 897 ये जो वायरल नंबर है, इसमें एक व्यक्ति बताता है कि आप अपने हाथ पर 897 लिख दो, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, धन की बरसात हो जाएगा। तो ये जो बात है कहां तक सही है और क्यों सही है? अगर इससे अचानक धन की उत्पत्ति होती है और मिलता ही है तो फिर ये उस व्यक्ति ने उजागर क्यों कर दिया? या जो गुप्त विद्याएं हैं आपके पास, मान लो कि आपको अली बाबा का खजाना मालूम है, तो क्या आप अली बाबा का खजाना सबको बता दोगे कि भाई मैं वहां से जाता हूं और खजाना लेकर के आता हूं? नहीं बताओगे। अगर किसी को शक भी हो गया तो आप क्या करोगे, अपने तरीके से इस्तेमाल करोगे। आप अली बाबा का खजाना ना बता करके कहीं और बता दोगे जगह, और ढूंढेगा घूमेगा, घूमते घूमते अगर कुछ मिल गया गलती से तो वो यही कहेगा अरे यार सच में यहाँ पे मिलता है। तो कितना हद तक कोई भी चीज सही है, अगर आप किसी भी चीज की जांच पड़ताल सही से नहीं करते हैं और अंधाधुंध हो जाते हैं तो अंततः आपको नुकसान होता है, फायदे की जगह नुकसान होता है। कल मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया और वहां पे मैं कुछ सामान खरीद रहा था, तो हर दूसरा बंदा आकर के कह रहा भैया ग्रीन पेन देना, भैया ग्रीन पेन देना। मालूम भाई ग्रीन पेन किस बात के लिए भाई? तो मैंने देखा कि वे बता रहे हैं, दुकान वाला बता रहा कि भाई आज तक मैंने इतने ग्रीन पेन जिंदगी में नहीं भेजे जो इस बार भेज दिया। तो मैंने कहा भैया मामला क्या है? कह रहा है आजकल एक वीडियो वायरल चल रही है जिसमें 897 लिखने से जो होता है कि धन की वर्षा होने लग जाती है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो ये लिख लो। देखो अगर आप कर्म अच्छा करेंगे ना तो नंबर लिखने की जरूरत है और ना ही कोई टोने और टोटके और ना ही ज्योतिषी ना ही हस्त विज्ञान की जरूरत है। आप कर्म सिर्फ अच्छा कीजिए, क्योंकि खेल जो होता है कर्मों के अनुसार होता है। मान लीजिए कि जैसे कि आप एक बीज रोपते हैं और उसका सही से लालन पालन देख रेख करते हैं और नियमित रूप से कटाई छटाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ अच्छा बनेगा, विकसित होगा। लेकिन फल की जो चाह है आपके अंदर वो नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप चाहो कि भाई पेड़ बड़ा हो गया आप फल देना शुरू कर दे, पेड़ अपने समय पे फल देगा, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। तो ठीक उसी तरह से आप अपने कर्म कीजिए, आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आप दूसरों की बातें मान लेते हो, अंधाधुंध में भेड़ चाल में दौड़ना शुरू कर देते हो, आप भेड़ की तरह हो गए। एक व्यक्ति ने बता दिया भाई 897 लिख लो, यहाँ पे ये नंबर लिख लो, वहां पे वो नंबर लिख लो और आप प्रसिद्ध हो जाओगे, आपको पैसे मिलने लगेंगे, आपका ये हो जाएगा, आप अपने नाम के अंदर एक ए लगा लो, एक बी लगा लो, सी लगा लो। क्या मतलब है यार, इन सब चीजों का सेंस क्या बनता है? ये तो ले दे करके ये वाली बात हो गई कि आप किसी चीज से परेशान है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं और किसी व्यक्ति ने आपको ये सलाह दे दिया, आपने उसकी बात फट से मान लिया। क्योंकि हर व्यक्ति जो है गलत परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहता है, हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है। तो जाहिर सी बात है कि गलत परिस्थितियों से या खराब परिस्थितियों से निकलने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक कहावत है, किसी ने कहा है कि मरता क्या ना करता। जो मरने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत कुछ करता है जिंदा रहने के लिए। आप उसको बता दो कि भाई तुझे गोबर खाना है तो गोबर भी खाने लग जाएगा, समझ लो ऐसे ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, अंततः क्या होता है, उसको मरना ही होता है, फाइनली डेथ होता है। तो जीवन का जो सत्य है वो फाइनली डेथ है। तो जब फाइनली डेथ है ही तो आप खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। अब खुशी से भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पता है क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने अपने दिमाग को जिंदगी भर कचरा बटोरने में लगाया, अपने दिमाग को विकसित करने में नहीं बनाया, दिमाग को इस गति तक नहीं बनाया कि आपको जब मौत आए और अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आए तो आप उस दौरान क्या करेंगे, समझ रहे? तो जीवन में जो आप चाहते हैं
हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है, अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़े हो और नौकर चाकर हो, खूब सारा पैसा हो, कौन नहीं चाहता है? इस संसार में कौन नहीं चाहता है? महात्मा लोगों की अगर बात करें तो महात्मा लोग गाड़ी घोड़ा की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, लेकिन उनके पास उससे ज्यादा होता है। उनकी ख्वाहिश होती है कि स्वर्ग में जाकर के ऐश मौज करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उनके बड़े ख्वाहिश है। अब उन लोगों ने इन सब चीजों को ठुकरा दिया और आप लोगों ने इसको पकड़ के रख लिया। अब देखिए, हर आदमी अपने स्वार्थ में सिद्ध है और लगा हुआ रहता है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कि आप किस चीज को कैसे समझते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आप नंबरों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कोई कुछ भी बता देगा आप लिख लोगे, हो सकता है कि उसके लिए बेहतर हो सकता है उसने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया हो, जाना हो, तो क्या जरूरी है कि हर एक पेच और हर एक बोल्ट और नट क्या हर चीज में सेट हो जाता है? हर चीज के लिए नट अलग होता है, साइज अलग होती है, बोल्ट अलग होते हैं, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति ने नंबर बता दिया उसके ऊपर सबके ऊपर फिट बैठ रहा है? क्या ये पॉसिबल है? सबके ऊपर पॉसिबल है क्या फिट होना? तो दोस्तों, जिस तरह से समाज में यह इलेक्ट्रॉनिक का जमाना जो आया है और इंटरनेट जितनी तेजी से फैल रहा है, उसी तरह से ज्ञान का जो भंडार है, जो ज्ञान का जो स्रोत है, वह खुल चुका है और हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। पहले यह मोबाइल नहीं था, वीडियो बनाने की साधन नहीं था, तो लोग अपने तक सीमित रखते थे, जो लोग उनके संपर्क में आते थे उन्हीं लोगों को पता चलता था। लेकिन आज वीडियो के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वह उभारना चाहता है, फैलाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन आप किस किस चीज को पकड़ोगे, कहां कहां से पकड़ोगे? इस तरह से आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, आप फालतू की चीजों में उलझे रह जाओगे और अंततः मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए जो आपका सही कर्म है, जो आपकी सूझबूझ है, जो आपकी समझदारी है, वही आपका असली ज्ञान है, वही आपका असली ढाल है, वही आपको बचाएगा बाकी सबसे। क्योंकि नॉलेज जो होता है, जितना अच्छा होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। नॉलेज जहां आपको बचाता है, नॉलेज वहीं पे आपको मार भी देता है। इसीलिए फालतू के चक्कर में मत पड़िए और किसी ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, कोई साधु महात्मा नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान नहीं है वो, या फिर वो भगवान नहीं है कि उसने खोज कर ली। ये यूनिवर्सल जो है लॉ के अनुसार चल रहा है ये सृष्टि, और सब एक दूसरे में बंधे हुए हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए ये हर चीज जो है एक दूसरे से कनेक्ट है और यह अनजाने रहस्यमय तरीके से चल रहा है। आज तक कोई नहीं जान पाया है कि क्या सत्य है, सब तुक्के ही लगा रहे हैं, सब के सब तुक्के लगाते हैं और सब के सब अपने अनुसार कहानियों को गढ़ते हैं, अपने समझ के अनुसार उसे बताते हैं, और जो कम बुद्धि वाला होता है, कम दिमाग वाला होता है, वह उसको एज इट इज मान लेता है, उसको फॉलो करने लग जाता है। और वही वाली बात होगी प्रायिकता का नियम, अगर आप 10 बार सिक्के उछालेंगे तो 10 में से एक बार तो हेड या टेल आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस सूचना के जमाने में, सूचना के स्रोत में कहीं आप डूब ना जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप उस सूचना को दूर से ही समझे, देखे और उसके अंदर कूदने की कोशिश ना करें, जब तक कि आपके पास पूर्णतः सही तरीके से नॉलेज ना हो, और प्लस आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो कि अगर आप इस सूचना के दलदल में फंस भी जाते हैं तो आप सही से बच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के, जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप को अवेयर बनाए रखिए।